सावन में हर तरफ छाया कलयुग का श्रवण कुमार, बूढ़े माँ पिता को कावड़ में बिठाकर 105 किलोमीटर की यात्रा पर निकले पति पत्नी, बूढ़े माँ पिता को बोझ मानने वालों को कर दिया शर्म से पानी पानी। आप भी देखेंगे इस श्रवण कुमार की तस्वीरें तो झुक कर सलाम करेंगे। कौन कहता है कलयुग में कोई श्रवण कुमार नहीं हो सकता? कौन कहता है कि इस युग में कोई श्रवण की तरह माता पिता की सच्ची सेवा नहीं कर सकता? हम आपको मिलवाते हैं कलयुग के साक्षात श्रवण कुमार से, इनसे मिलिए। कहने को तो ये बिहार के चंदन कुमार हैं, लेकिन लोग अब इन्हें श्रवण कुमार के नाम से पुकारने और जानने लगे हैं, क्योंकि चंदन श्रवण की तरह कावड़ में अपने माता पिता को बैठाकर देवघर के लिए निकले हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और दो बच्चे भी 105 किलोमीटर की इस लंबी और कठिन यात्रा में शामिल हैं। सुल्तानगंज गंगा घाट से जल लेकर वो परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए निकले हैं। दोनों पति पत्नी ने बहंगी तैयार कर श्रवण कुमार की तरह कंधे पर रखी और माता पिता को लेकर जलाभिषेक के लिए चल पड़े। बहंगी के आगे बेटा तो पीछे से बहू थी, जिसने भी इन्हें देखा देखता ही रह गया। आज इनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग देख चुके हैं। चंदन कुमार और उनकी पत्नी रानी देवी जहानाबाद के थाना घोसी के वीरपुर के रहने वाले हैं। ये अपने माता पिता को लेकर बहंगी पर बैठा बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं। चंदन कुमार ने बताया कि हम प्रत्येक माह सत्यनारायण व्रत का पूजन करते हैं। इसी दौरान मन में इच्छा जाहिर हुई कि माँ और पिताजी को बाबा धाम की पैदल तीर्थ यात्रा कराई जाए, लेकिन माता और पिताजी वृद्ध हैं, तो ऐसे में 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा पैदल तय करना संभव नहीं था। माता पिता ने किया था इनकार, फिर भी नहीं माने श्रवण कुमार। चंदन कुमार ने बताया कि कावड़ में बैठा कर कांधे पर उठाकर चलने का माता पिता ने पहले विरोध किया था। उन्होंने कहा कि हम लोग काफी वजनदार हैं, तुम कैसे अपने कंधे पर दोनों को बैठा कर इतनी दूर यात्रा तय करोगे। हालांकि बेटे चंदन ने उन्हें समझाया और आखिरकार अपने माता पिता को सुल्तानगंज से जल भर कर देवघर को रवाना हो गए। आगे चंदन कुमार ने कहा कि माता पिता की सेवा से बड़ा ना ही कोई धर्म है और ना ही कोई पूजा। वहीं माता पिता ने कहा कि बाबा भोलेनाथ सभी को मेरे जैसा बेटा दे। पत्नी ने जताई खुशी, लोगों ने की तारीफ, माता पिता ने दिया आशीर्वाद। इस पर जब चंदन की पत्नी से पूछा गया तो उसने बताया कि वो बहुत खुश है कि वो इस तरीके से अपने सास ससुर की सेवा कर पा रही है। उसने ये भी कहा कि लोग उन दोनों के हौसलों की मिसाल भी दे रहे हैं, उनकी खूब सराहना भी कर रहे हैं। वाकई दोनों ने तारीफ के काबिल काम भी किया है, नहीं तो आज के जमाने में कौन से बेटा बहू अपने माँ पिता की इतने सच्चे मन से सेवा करते हैं। अगर आपको चंदन और उनकी पत्नी की ये कहानी पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी इस खबर को देखे उसके अंदर भी अपने माता पिता के प्रति सेवा का भाव पैदा हो सके।